इस मूवी में लिवियो नाम का लड़का अपनी ही खूबसूरत सौतेली माँ से प्यार कर बैठता है। आज मैं लेकर आई हूँ द सेकेंड वाइफ, एक इटालियन मूवी जो कि 1998 में रिलीज हुआ था और मूवी का आईएमडी रेटिंग है 6.1। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूँ। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। लिवियो का पिता फस्को एक ट्रक ड्राइवर है। लिवियो की माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी। ये लोग इटली के एक गांव में रहते हैं। गांव में बनाई गई लोकल शराब को फस्को अपनी ट्रक में लादकर शहर लेकर जाता है और डिलीवरी देता है। यही इनका कमाई का रास्ता है। दोनों बाप बेटे का रिश्ता काफी उलझा हुआ है। छोटी छोटी बात को लेकर लिवियो परेशान रहता है। फस्को अपना अकेलापन दूर करने के लिए एना नाम की एक जवान सिंगल मादर से दोबारा शादी कर लेता है। एक पार्टी दी जाती है, सब लोग बहुत खुश है, लेकिन इस शादी से लिवियो खुश नहीं है। एना बहुत खुश है क्योंकि उसकी बेटी सेंटिना को एक बाप मिल गया है और उसे एक नया घर। एना की खूबसूरती को लेकर फस्को अंदर ही अंदर बहुत घमन करता है। एना की जिस्म से उसकी जवानी की खुशबू सारों ओर फैल जाती है। लिवियो अपने आवारा दोस्तों के साथ मस्ती करता फिरता है। स्टेला नाम की एक लड़की है जो लिवियो से बहुत प्यार करता है। चोरी छुपे लिवियो के स्कूटर में लव लेटर रख देती है। स्टेला की लव लेटर को लेकर लिवियो का दोस्त उसका मजाक उड़ाता है। लिवियो को स्टेला के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फस्को दिखाने के लिए एक ट्रक ड्राइवर है, पर उसका असली डंडा है कब्र से चोरी करना। कब्र से एंटिक सामान चुरा कर वो बाजार में ज्यादा दाम में बेच देता है। सुहाग रात में भी फस्को अपने चोर दोस्तों के साथ कब्र खोदकर सामान चुराने जाता है, पर वहां पुलिस पहुंच जाते हैं और उन सबको वहां से भागना पड़ता है। एना वहां की औरतों के साथ मिलकर लोकल वाइन बनाने के काम में लग जाती है। इस काम में लिवियो भी मदद करता है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से लिवियो को सबके सामने फस्को बुरी तरह से डांट देता है। ये देखकर एना दुखी होती है, पर फस्को के सामने खामोश रहती है। लिवियो कई बार अपने पिता से चोरी का काम छोड़ने के लिए कहते हैं, पर उल्टा लिवियो को ही अपने बाप से ताने सुनने पड़ते हैं। गुस्से से बिना खाए पिए लिवियो बैठ जाता है। तब उसके लिए एना खाना लेकर जाती है। ये देखकर लिवियो को अच्छा लगता है। धीरे धीरे लिवियो और एना के बीच दोस्ती शुरू होने लगती है। अब एना की बेटी सेंटिना के साथ भी अक्सर लिवियो वक्त बिताने लगता है। लिवियो और एना के बीच में एक इमोशनल रिश्ता कायम होता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मौका मिलते ही लिवियो एना के करीब जाने की कोशिश करता है। किसी काम से फस्को बाहर जाता है। फस्को के जाते ही लिवियो और एना के लिए जैसे पूरा माहौल ही बदल जाता है। एक खुलापन सा महसूस होने लगता है। एना अपनी पड़ोसी महिलाओं के साथ पानी से भीगने वाला खेल खेलने लगती है। अचानक एना लिवियो के ऊपर पानी डाल देती है। लिवियो भी एना को पकड़कर पानी से भिगाने लगता है। खेल खेल में दोनों एक दूसरे को लिपट लिपट कर छूने लगते हैं। दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं। चोरी के इल्जाम में फस्को को पुलिस पकड़ लेती है। ये जानकर लिवियो और एना फस्को से मिलने जाते हैं। जेल में फस्को उनसे फिक्र ना करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जल्दी वो जेल से छूट जाएगा। अब लिवियो को एना का साथ अच्छा लगने लगता है। लिवियो नहीं चाहता है कि उसका पिता घर वापस आए, क्योंकि फस्को के आते ही उसका जीना हराम हो जाएगा। लिवियो के आंखों में तिनका घुस जाता है। तिनका निकालने के लिए एना उसके पास जाती है। एक दूसरे के सांसें आपस में टकराते हैं। दोनों के तन मन में आग लग जाती है। उस रात दोनों को नींद नहीं आती है।
एक दूसरे के बारे में ही सोचने लगते हैं। एना जानती है कि यह सब गलत है, इसलिए एना अपने आप को लिवियो से दूर रखने की कोशिश करती है। ये बात लिवियो से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि लिवियो के लिए एना ही उसका पहला प्यार है। अब वो किसी भी कीमत पर एना को पाना चाहता है। एना के कमरे के बाहर लिवियो पूरी रात उसे पुकारता रहता है, लेकिन एना दरवाजा नहीं खोलती है। लिवियो की हालत देखकर एना को भी तकलीफ होती है। अब दोनों तरफ बराबर की आग लगी है। बात आगे ना बढ़े यही सोचकर एना लिवियो को अपनी बुआ फर्नांडा के घर जाने के लिए कहती है, नहीं तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर लिवियो वहां से चला जाता है, पर बुआ के घर नहीं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। पार्टी छोड़कर लिवियो घर पहुंचता है और खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। पागलों जैसा बर्ताव करता है, कपड़े उतार कर नंगा हो जाता है। लिवियो अब वहां से दूर चला जाएगा। बस जाने से पहले एना एक बार उसे अपना ले और उसे कुछ नहीं चाहिए। एना अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर रोक नहीं पाती है और फिजिकल रिलेशन हो जाता है। एक दिन दोनों को प्यार करते हुए स्टेला देख लेती है। स्टेला को देखकर एना काफी डर जाती है, पर लिवियो कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टेला एक पागल लड़की है, इसलिए उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर एना फिर से लिवियो से लिपट जाती है और प्यार करने लगती है। अचानक खबर मिलती है कि अगले दिन फस्को जेल से रिहा हो जाएगा। ये सुनकर एना परेशान होती है और फस्को की बहन फर्नांडा को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि उनसे गलती हो गई और अब वो सारी बातें फस्को को बता देगी। पहले तो फर्नांडा नाराज होती है, फिर शांत होकर फस्को को ये सब बताने के लिए मना करती है, नहीं तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जेल से आने की खुशी में फस्को एक पार्टी देता है। पार्टी में सब खुश है, लेकिन फस्को, एना, लिवियो और फर्नांडा के चेहरे पर एक अजीब सी घुटन दिखाई देता है। फस्को के आने के बाद फिर कभी एना और लिवियो एक दूसरे के करीब नहीं आए। बाद में लिवियो ने फौज ज्वाइन कर लिया और एंजेलिना से शादी करके अपना परिवार बनाया। लेकिन सच बात तो ये है कि आज भी एना और लिवियो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और यहीं पे कहानी खत्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।